दफ्तरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर जौनपुर से है, जहां मछली शहर में चुनावी जनसभा में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा के दौरान जेपी नड्डा ने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही बीजेपी सरकार के विकास कार्यो को गिनाते हुए जनता से मछली शहर के प्रत्याशियों को वोट देकर विजय बनाने की अपील की। देवरिया सलीमपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, समाजवादी पार्टी के लिए विकास का मतलब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना है, लेकिन हमारे लिए विकास का मतलब लोगों के दरवाजे पर पानी, बिजली, राशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हम 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देंगे। साथ ही सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम को जनता से वोट देने की अपील की। खबर देवरिया से है, जहां पे चीनी मिल ग्राउंड में सदर प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह के स्टार प्रचारक के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने जनता से वोट देने की अपील की और इसी दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। विकास का मुद्दा है तो पहले से कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। शहर का विकास, नाली, गली, कूचा, जो शहरों में जल जमाव है, शहरों में अतिक्रमण है, कोई उद्योग नहीं है, नगर पालिका को नगर निगम निकाय नगर विकास प्राधिकरण बनाने का मुद्दा है, यहाँ कमिश्नरी बनाने का मुद्दा है, गौरी जिला को तहसील और वहाँ वो बस स्टेशन बनाने का मुद्दा है। मुद्दा तो तमाम है। खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित मॉडर्न बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली और घर घर के साथ दुकानों पर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हूँ, आज हमने ये रैली इसलिए निकाली है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि वो अपने आसपास की सफाई रखें। यूजुअली हम लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सब सफाई में क्या करते हैं, तो वो यही कह देते हैं कि एक अकेले से नहीं हो सकता। तो आज हम उनको इस बात के लिए अवेयर करने गए थे कि जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये जो हरियाणा के नागरिक हैं उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली जा रही है स्कूल की तरफ से, जिसमें जो हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं जयवीर खटाना, ये भी हमारे साथ में आज लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। संदेश तो सर एक तरीके से सफाई के लिए जागरूक करने का, लेकिन मेन विशेष तौर पर जो हम लोग पब्लिक को जागरूक करेंगे वो पॉलीथीन को अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि पब्लिक जो अपना सामान कुछ भी परचेस करने के लिए जाती है तो अपना कैरी बैग या जूट बैग अपने साथ में खुद लेके जाए, ताकि पॉलीथीन अगर मार्केट में रहेगा ही नहीं तो उसका प्रोडक्शन अपने बंद हो जाएगा और मार्केट से अपना भी वो गायब हो जाएगा। देखिए, स्वच्छ अभियान जो है इसका तो महात्मा गांधी ने भी कहा था आज़ादी के समय भी कि यदि भारत को हमने महान बनाना है और जागरूक करना है और स्वस्थ रख भारत का है, तो उन्होंने नारा ये दिया था कि भारत को स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने भी इसके बारे में जागरूक करने की पूरे हिंदुस्तान को कोशिश की है और उसका कहीं तक जो है ये ठीक है कि आज कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं, कुछ हो रहे हैं, आज से जब हम चलेंगे तो सारे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे क्षेत्र के सभी दुकानदारों को, सभी लोगों को जागरूक करने का ये कार्य किया जा रहा है, जो कि इसमें स्काउट और NCC के बच्चे इसमें जागरूक करने का एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और बीपी मॉडर्न स्कूल के माननीय श्री OP परमार जी और माननीय श्री प्रिंसिपल महोदय और यहाँ क्षेत्र के सम्मानित श्री लाल साहब, श्री तेज बहादुर जी जैसे लोग इस मुहिम में शामिल हुए हैं और ये बड़े बेहतरीन कार्य है। और मेरी अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ये बच्चे जो कि एक शहर को और अपने वार्ड को स्वस्थ बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, सभी लोग उसमें एक मुहिम में शामिल हो और कहीं ना कहीं हम अपने वार्ड को और अपने क्षेत्र को एक अच्छा बेहतरीन वार्ड बना सकते हैं सफाई के मामले में। मैं मॉडर्न बीबी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की रैली पे निकले हैं। हमने काफ़ी लोगों को जागरूक किया कि हमें स्वच्छ क्यों रखना चाहिए। जिससे पहला रीज़न तो ये, इससे हमारी लोगों को बीमारी नहीं होगी, क्लीननेस रहेगा, साफ सफाई रहेगी, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिरोजाबाद से कावड़ लेने जा रहे कावड़ियों की ईको और ट्रैक्टर ने आमने सामने टक्कर हो गई और जिसमें एक कावड़िया की
मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। घायलों का इलाज चल रहा है और इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। ये हादसा थाना क्षेत्र नारखी के कोचला फरिहार रोड का बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां पर एक निजी नर्सिंग होम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने महिला के हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती प्रसव कराया और प्रसव के बाद बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद प्रसूता के घर वालों ने निजी नर्सिंग होम पर जबरदस्ती प्रसव कराने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले? कब लेकर आए थे अपनी पत्नी को? गुरुवार को। तो क्या हुआ फिर? गुरुवार के यहाँ पे मेरा बच्चा जीवित था, इन लोगों ने पेट दबा दिया और मेरी औरत। किस हॉस्पिटल में लाए थे? ये सामने आरोग्य हेल्थ केयर में। तो आज क्या हुआ? और ये इन लोगों ने बोला जीवित। कौन लोग? यही लोग, डॉक्टर लोग यहाँ के। यहाँ के डॉक्टर लोग ने बोला था आपका बच्चा जीवित है, तो मेरा बच्चा जब जीवित था तो आपने पहले बोला था मेरा बच्चा जीवित और नॉर्मल हो जाएगा। बांदा में पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 4 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों के बीच न्यायालय में तलाक का मुकदमा चल रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये मामला शहर कोतवाली के कालूकुआं ओवरब्रिज के पास का है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां टाटा अनुसंधान कंपनी के अधिकारियों ने 2 दुकानों पर छापेमारी कराई, जिसमें करीब 200 पैकेट टाटा का नकली नमक बरामद हुआ है। बता दें, कंपनी अधिकारियों ने दुकानदारों के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस प्रशासन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। किस कंपनी से आप? मैं अनुसंधान ग्लोबल कंपनी में जॉब करता हूँ एज एन IPR एग्जीक्यूटिव। अच्छा। और हमारा टाटा सॉल्ट हमारा क्लाइंट है। अच्छा। जिसका डुप्लीकेट नहीं, जैसे कि आज जो टूल आप आए, जो दुकानों पे मैंने सुना है छापा पड़ा है, तो किस तरह का छापा पड़ा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है उन पर? सर, उस पर हम छापे जो पड़ा है, जो हमने छापा दबिश करी है, तो वो एटा रोड पे दुकान हमें मिली थी, जिससे हमने पहले सैंपल परचेज करवाया, उसके बाद हमने उसको देखा तो वो डुप्लीकेट पाया गया। तो टाटा सॉल्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये टाटा सॉल्ट का पैकेट है, इसमें ओरिजिनल में कुछ डिटेलिंग होती है जो डुप्लीकेटर को पता नहीं होती। तो वो जैसे ये है, यहाँ पे टाटा 1, 2, 3, 4, 5 टाटा के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी। अच्छा अच्छा। तो उसका कोड लाइसेंस नंबर फूड से अलॉट हो रहेगा उनको। तो मैन्युफैक्चरर जब काउंटरफेटर क्या करते हैं, ये AG करके लिखा हुआ है, तो इसमें लाइसेंस नंबर नहीं है उसका, जो डुप्लीकेट हमें मिला है पैकेट, उसमें सीरियल नंबर भी नहीं है, उसमें सीलिंग भी नहीं है काफ़ी, और हार्ड प्लास्टिक है, पैट प्लास्टिक में पैक करा हुआ है रिसाइकल वाला पैक, जबकि रिसाइकल वाला पैक बहुत सॉफ्ट होता है। शिवरात्रि के अवसर पर बीकापुर कस्बे में महाशिवरात्रि में महाकाल के जागरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस बीच स्थानीय तहसील पुलिस प्रशासन द्वारा साउंड बंद कराने को लेकर शिव भक्तों में आक्रोश व्याप्त हुआ। साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह से की, जिसके बाद जिलाध्यक्ष ने क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी से वार्ता करके लोगों की नाराजगी का हवाला देते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई को जन विरोधी बताया और उनसे बारिश की कि तत्काल प्रभाव से महाकाल के महाजागरण में साउंड बजाने की अनुमति प्रदान की जाए। मामले की गंभीरता को भांपते हुए क्षेत्राधिकारी ने तत्काल साउंड बजाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हमने परमिशन के लिए SDM से मार्क करा करके कोतवाली में दिया था, जिसका कि रिपोर्ट लगा करके कोतवाल साहब ने मुझको दे दिया। उसके बावजूद मूर्ति आने के बाद ये बज रहा था बाजा, उसको जो है फोर्स आकर के रुकवा दिया, और उसका हमने जिला अध्यक्ष भाजपा से कहा, शिकायत किया इसकी माननीय संजीव सिंह से, उन्होंने फोन किया अधिकारियों को, तो जाकर के कार्यक्रम अनुमति मिली चालू करने के लिए। बस 2009 से लेकर के और अब तक का 2022 का ये
निरंतर 14वां वर्ष चल रहा है, जिसमें 28 तारीख आज अभी अभी पंचमूर्ति की स्थापना होगी। कल सायंकाल विशद पैमाने पर मेवे की चंदन की लकड़ी में मेवे की हवन आहुति लगभग 150-200 लोगों के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।